स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिखाई दिए एक्टर मोहसिन खान को दर्शक इनके कार्तिक वाले किरदार में खूब पसंद करते थे, जिनकी रियल और आउटस्टैंडिंग एक्टिंग से इन्होंने दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। तभी तो दर्शक इन्हें कार्तिक के किरदार के लिए अभी तक जानते हैं। लेकिन आप मोहसिन खान के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनके परिवार के इतिहास के बारे में जानते हैं कि ये किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और ये किस तरह से टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर बने? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं मोहसिन खान के परिवार का इतिहास बताकर। तो देर किस बात की, चलिए रूबरू होते हैं इनके परिवार के इतिहास से। पर उससे पहले आप मोहसिन खान के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। कार्तिक के किरदार से देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता मोहसिन खान एक अच्छे खासे बिजनेसमैन परिवार से आते हैं, जिनके परिवार का इतिहास शुरू होता है इनके पिता से, जिनका नाम अब्दुल रहीम खान है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी फैमिली बिजनेस को भी ज्वाइन किया। बाद में उन्होंने अपने पिता की पसंद की लड़की महजबी खान से निकाह किया, जिनके साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद इन्हें 3 संतानों का सुख प्राप्त हुआ। बता दें, इनकी माता एक हाउसवाइफ है और अपने घर परिवार का पूरा ख्याल रखती हैं, जिनसे ये बहुत प्यार करते हैं और इनकी हर एक बात को सर आंखों पर रखते हैं। अक्सर इनकी माँ बेटे की जोड़ी लाइमलाइट में आ जाती रहती है, जहाँ ये अपनी माता के साथ रेस्टोरेंट और फैमिली फंक्शन में दिखाई देते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। माता पिता के बाद बात करते हैं इनके भाई बहन के बारे में, तो आपको बता दें इनका एक छोटा भाई और छोटी बहन है। इनके छोटे भाई का नाम सज्जाद खान है। ये अपने भाई को उनके करियर में सपोर्ट नहीं करना चाहते, तभी नहीं भूलते हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और इन दोनों भाइयों की जोड़ी को अक्सर पार्टी मनाते देखा जाता है। बात करें इनकी छोटी बहन की, तो इनकी छोटी बहन का नाम जेबा खान है, जिनसे ये बहुत प्यार करते हैं। तभी तो इन्होंने अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से एक डॉक्टर से की है। वहीं इनकी बहन एक हाउसवाइफ है और अपने पति और न्यूबॉर्न बेबी के साथ बहुत खुश है। अब बात करते हैं फैमिली के सुपरस्टार मोहसिन खान के बारे में, जिनका जन्म 26 अक्टूबर 1999 को गुजरात के मुस्लिम परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री मीठीबाई कॉलेज से हासिल की थी। बात करें इनके एक्टिंग करियर की, तो ये एक्टर नहीं बनना चाहते थे, बल्कि इनकी दिलचस्पी डायरेक्शन में थी। इन्होंने डायरेक्शन का इतना अच्छा खासा सिखाया था, जिसके बाद इन्हें फिल्म कोयला चाल में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने का मौका मिला और इसी दौरान इन्हें एक्टिंग के लिए ऑफर आने लगे, जिसके बाद इन्होंने मशहूर अभिनेता अनुपम खेर से एक्टिंग स्कूल में अभिनय की शिक्षा प्राप्त की। जी हाँ, इनका पहला सीरियल था निशा और उनके कजिन, जिनमें ये सहायक रोल को निभाते हुए नजर आई थी। इसके बाद इन्हें लाइफ ओके के सीरियल ड्रीम गर्ल में भी देखा गया, जिसमें इन्होंने राज की भूमिका निभाई थी। लेकिन इन्हीं सबसे खास पहचान सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से मिली, जिसमें ये कार्तिक गोयनका के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में दिख रहे थे और आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं। परिवार की बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो फिलहाल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शिवांगी जोशी के साथ रिलेशनशिप में है और दोनों को एक साथ काफी बार स्पॉट भी किया जा चुका है। वेल दोस्तों, आप मोहसिन खान की फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।